उनके मतलब मर्ज वही रहा है कालरा वाला। अब डायरिया होगा, अब डायरिया के डॉक्टर लापरवाही करी, अब वो डरकन मारे कोरोना के रोग के डरकन मारे गईबे नहीं कि सामने, अब सामने गवा हो तो दवा करो तो ठीक हो जा। अब वही के वजह से सब लोग भाग गए, उनका पानी भी नहीं दी, अब कोरोना नहीं रहा ना, कोरोना रह के उनके कालरा रहा, पानी नहीं दी उनका पेग लिए, पानी नहीं दी भैया, तब का किया जाए। को है को जिम्मेवार व्यक्ति को, अब जिम्मेवार व्यक्ति तो यहाँ के वो है नंदन भैया, तो उन्हें नहीं, वो तो हट गए, आईबे नहीं किने, भाग गए। डॉक्टर को है रात में, डॉक्टर तो वो है सीताराम के लड़का, सीताराम मौर्या के लड़का डॉक्टर है सुरेश, दिनेश डॉक्टर है, वो दाढ़े नहीं गए, उनके नेरे नहीं गए, देखबे नहीं किने कुछ, तब का किया जाए। अब लापरवाही से उखरी नहीं, भागे भागे घूमा थे, कोई लोग नहीं आए सामने। इधर के ले लो, अंदर के लड़के हैं उनसे बयान लिया जाए, उनसे बयान लेके फिर रिपोर्ट बनाओ, लेकिन कोरोना रोग के नहीं है। हाँ अंदर वाले भी रिपोर्ट थे, हाँ वो जो है तो अंदर के बच्चे सब भाई सके पी मातुर आपत्कालीन बैठक रू बसन रखे निर्णय होता जनता आश्वासन दी टुंगीन सके है ना। अब त्यो वास्तव में अब समस्या आई परे पछि त अब गर्ने हो, अब समस्या आए थे अहिले सम्म चलिराखेको थियो त्यही भएर अब भएन। अब त्यो बैठक बसाउने त हाम्रो कार्यालय प्रमुख को जिम्मेवारी हो नि। डाक्टर नहीं रहते हैं, कोई नहीं रहता है यहाँ पे, खाली एक पुलिस वाला रहता है, बाकी कोई नहीं रहता है। दिन में कोई नहीं रहता है, ये पलानी वाला रहता है, बाकी सब डरते हैं कि हमको भी हो जाएगा कोरोना। दिन में भी डॉक्टर नहीं रहे, कोई नहीं रहता है यहाँ पे, खाली एक पुलिस वाला रहता है, बगीचा में बैठते हैं, हम लोग को चाहे हो जाएगा। वो भी कल से वहाँ जाके बैठते हैं, वो बबूर के नीचे, यहाँ पे कोई रहते नहीं आता यहाँ पे। नमस्कार रजू, नमस्कार। नमस्ते सर, क्या हो रहा है सर इधर का मैनेजमेंट? अभी तक तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुँचा हम लोग पे स्पॉट पे ही। कहाँ? भगवानपुर में। ए गाड़ी यहाँ रिजल्ट रिपोर्ट आई गई तब यहीं से गाड़ी ले जा पाती, नहीं तो रिपोर्ट तो बाद की बात है। यहाँ तो समस्या ये आ रहा है सर कि आपका स्वास्थ्य कर्मी जो रात में ड्यूटी में था वो ड्यूटी से ही नहीं बैठा, वो चला गया रात में, घर में सो गया, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉब्लम था उससे। नहीं सर, वही फोन कीजिए तो हमका रात में अब रहे तब तो फोन करी सोई। यहाँ पे जो क्वारंटाइन में लोग हैं उनका कहना है कि रात में कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं था, सुबह आया है वो व्यक्ति 6:30 बजे। अब ड्यूटी तो खटावा गया भैया सप्ताह जी जी, अब उनके काम हो चुके। आप कहाँ रहते हैं? आपका जिम्मेवारी क्षेत्र में क्या है, थोड़ा सा हमको बताइए तो डिटेल में। नहीं, जिम्मेवारी तो भैया ये है कि वहाँ व्यवस्थापन करे की जिम्मेदारी है। तो आप कहाँ थे रात में, कहाँ थे आप रात में? तो हम नेपालगंज रहे। इस क्षेत्र में आप कितनी बार आते हैं सर दिन में, वो बताइए तो थोड़ा। नहीं, हम डेली आई सर भैया। नहीं तो ये लापरवाही है कि नहीं, आपको क्या लगता है सर? यहाँ पे रात में व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है और सुबह 10 बजे तक उसकी बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पड़ी रहती है, ऐसा भैया ना जी? कि व्यवस्था तो हम सब जगह सब कर्मचारी खटाई दिया यानी, अब लाश अभी तक क्या पड़े के बात है, एक जांच होते अगर उसके रिजल्ट जब तक ना आई तब तक कोई कुछ न करे दी, ये है अभी। रिजल्ट कितनी देर में आ रहा है सर, कोई जानकारी है उसकी? अब हम फोन करे रहे तो कैसे कि 1.5 घंटा में रिजल्ट आई, लगभग 1 घंटा हो गया पहले हम अभी फोन करे दी थे, अब पूछी क्या है। ठीक है, आप आ रहे हैं क्षेत्र में क्या? हाँ आ रहे हैं, सामान लेने आ रहे हैं यहाँ, वो जो एक्सपायर हुआ है तो उसके लिए तो सामान चाहिए, तो उसका सामान ले रहा कमरे में डिशन में है। नहीं तो ये मतलब मैनेजमेंट आप लोग देखते हैं, एक्सपायर हो जाए तब आप सामान खरीदने जाते हैं, तो इसका मैनेजमेंट तो आप लोगों को पहले, जब 550 लोगों को आप लोगों ने क्वारंटाइन में रखा हुआ है तो ये इमरजेंसी मैनेजमेंट तो कुछ ना कुछ तो पहले भी होना चाहिए था। नहीं भैया, मैनेजमेंट है सब कुछ है वहाँ, मतलब ये अभी के लिए सब उठाने के लिए विशेष किस्म का सामान लिखा है जिला पदाधिकारी से, तो हम वही सामान लेने आए हैं। ठीक है, धन्यवाद।